अरे कहाँ है मशहूर गुलाटी साहब? चुल्लू भर पानी में डूबने तो नहीं गए? बंद करो गाना। ये मैं अपना लंच यहाँ रख देता हूँ। लंच? ये तो क्या है वो? उसमें भुजिया है, उसमें सलाद है, रॉकेट लंचर। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं 10 का दम खेलने आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, 10 का दम, 60 का रम ले लेती, उसमें भी मजा आता। मैंने तो आपको तो पहचान लिया। अब नेहा है, मैं आपको नहीं पहचान करना। क्या? आप बॉबी के साथ पिक्चर में आए थे ना? जी हाँ, रेस की अभी। क्या नाम बेटा अपना? सुलेमान। बहुत आगे जाएंगे आप, देख लेना। प्रोमो में भी है ना आप, लमला पगला दीवाना के। जी। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार साथ जुड़ जाए तो फिर आदमी आगे जाता ही जाता है। नेहा, ज्यादा हा हा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे गानों में कमियां निकालना चाहता हूँ पुत्र। मेरे गानों में? ये है गानों की कमियां। तुम्हारे गाने हिट लिस्ट में है सबसे ज्यादा। Really? जी, ये गाना है। हाँ। वो जो गाना तुमने बनाया, छोटे छोटे पैक बना। हाँ। मुझे पसंद नहीं है। पैक गाना चाहिए, मोटे मोटे पैक बना। एक वो आपका गाना है, पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क मंजन घिसे है पिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो मेरा गाना नहीं है। किसका गाना है वो? वो तो आपका गाना है, आपकी मूवी का है ना। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे यहाँ क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पर 10 का दम खेलने आई हूँ। खेलो ना, फिर क्यों नहीं खेल रही? हम अभी खेल रहे हैं या नहीं? खेल रहे, खेल रहे। मैं सवाल पूछा, आप अनुमान लगाइए। आपका चौथा सवाल है। थूक लगाए। आप अपनी लिपस्टिक पे ध्यान दो ना, दूसरों की थूक देख रही है। थूक लगाया हमने तो। ये लिपस्टिक संभलती नहीं। हाँ, तो आपका चौथा सवाल ये है। ये मैंने घूंघट के उड़ा हुआ है। ओके, क्वेश्चन। सवाल ये आपका चौथा सवाल, कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने कभी अपने जीवन साथी के लिए कोई कविता लिखी है? What percent of married Indians have at least once written a poem for their life partner? लिखी आपने? नहीं, मैं तो देख रहा था, बदबू तो नहीं आ रही। तो आप दोनों के पास 15 सेकंड है। और मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। कहाँ जाएं? अरे शुरू हो गया, खेलो। क्वेश्चन क्या था? 4% ऑफ इंडियन। हाँ, क्या हमने सेट किया है? बताइए सर, कितने प्रतिशत? अभी बता दें। मैं जानना चाहता हूँ कितने प्रतिशत, पता तो चले।
कितने प्रतिशत बताओ? कितने प्रतिशत? बोलो बताओ कितने प्रतिशत? बताओ। ओह गॉड, मैंने कम कर दिया आई थिंक। नो, ज्यादा कर दिया मैंने। कितने प्रतिशत? ओह गॉड, बोल। मैं कर 24%! राका साहब, क्या ये गिद्धा क्यों डाल रही हो? हेलो हेलो, मुझे सिर्फ जानना था, जीतना नहीं था। इतने का तो मैं सोडा पी जाता हूँ। बहुत अच्छे। डोंट गिव मी दिस सर, मेरे तो मैसेज कर रही है। तो आइए आपसे आपका आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। आपको लगता है 10 कदम की शुरुआत आपने की? नहीं, आपके फादर साहब ने की, सलीम साहब ने। उन्होंने फिल्म लिखी शोले। आप देखें उसके अंदर क्वेश्चन कितने थे, कब है होली, कितना नाम रखे सरदार हम पर, प्रताप सरजी तुम्हारा नाम क्या है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आपने तो सिर्फ उसमें प्रतिशत और भारतीय लगाया है। सुनील साहब, आपको सलूट है। आइए आपका आखिरी सवाल पूछ लेता हूं मैं। तो आपका आखिरी, शायद नहीं सर, आखिरी सवाल, अगला अगला और आखिरी। अगला और आखिरी में हो गया। अरे सवाल दो यहाँ पर। कितने प्रतिशत भारतीयों को बैठकर नहाने की आदत है? What percent of Indians have a habit of sitting and taking a bath? जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा बहुत लुच्चा आदमी होगा। लोगों के बाथरूम में देखता होगा वो आदमी। आप देखें, वरना किसी को क्या पता कोई बैठ के नारा के खड़ा होकर नारा। राका आंसर सेट करना चाहता है। आपके पास 15 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। और मार्क्स कैसे हैं? रेडी गो। बहुत सारों को है। जवाब दो। आए बताएं रुलू दुगोलू के कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि बैठ के नहाते हैं? मुझे जवाब चाहिए। बैठ के नहाने में राका का कोई तोड़ नहीं सलमान साहब। कौन जीता? आप जीते। ये सवाल का जवाब आप जीते। आप जीते 20,000 रुपीज। ये जीती है 80,000 रुपीज। मंडोली करनी है।